अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव के बारे में। ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप की एक अकसाम है और इसमें हमने ये देखना होता है कि इसमें ए भी फट जाता है, बी भी फट जाता है, डी नहीं फटता। तो अब हम इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो लिहाजा मैं आप एक चीज़ वाज़ह कर दूं, क्योंकि मैं किसी भी किस्म का झूठ नहीं बोलता। मैं अपने व्यूवर को और अपने जानने वालों को और अपने दोस्तों को हर चीज़ वाज़ह करता हूं। मेरे पास क्योंकि जो ए बी नेगेटिव मतलब ब्लड ग्रुप था उसका सैंपल नहीं था, इसलिए मैं आपको वाज़ह कर दूं कि मैं एक ड्राप ए का डालूँगा और दो ड्राप बी का डालूँगा। उससे मैं आपको बना के दिखाऊँगा ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक हो गया। अब हम मैं आपको बता दूं, या तो हमारे पास सैंपल मौजूद होना चाहिए, अगर सैंपल मौजूद नहीं भी है ना, दो सैंपल हमारे पास होना ज़रूरी है, ए का और बी का, हम उससे ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप बना सकते हैं। ठीक हो गया, मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, कोई फेक नहीं करूंगा। ठीक हो गया। अब आ जाएं आप जनाब, हमें इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत सबसे पहले सैंपल की है, सैंपल हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। अब आ जाएं आप एंटी सीरा की तरफ। ये हमारे पास इसके तीनों केमिकल हैं, ए बी और डी। उसके बाद हमें चाहिए स्लाइड बॉक्स, स्लाइडें हमारे पास पड़ी हैं, ये स्लाइड है। उसके बाद हमें चाहिए टूथपिक, उसके बाद हमें चाहिए ड्रॉपर, ये ड्रॉपर है। इसको यूं आप दबाएं, जितना आपको ब्लड चाहिए आप सक कर लें। ठीक हो गया। अब आ जाएं आप परमानेंट मार्कर, ये ज़रूर होना चाहिए, इससे आप चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, वरना आपसे गलती किसी भी जगह किसी भी वक्त हो सकती है। और पॉइंटर, पॉइंटर हर वक्त लेबोरेटरी वाला बंदा ख़ास तौर पे अपने साथ रखे, क्योंकि इसमें गलती के चांस हर जगह पे होते हैं। और पॉइंटर से फौरी जो भी रिज़ल्ट हो फौरी मेंशन करें, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब आ जाएँ आप, हम आ जाएँ इसका तरीकाकार की तरफ। हम लेते हैं ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, वन ड्रॉप हमने ले लिया। ठीक है, कोई मसला नहीं, ए नेगेटिव का ही। बी नेगेटिव के हमने दो ड्रॉप, इसको हमने इस तरीके से मेंशन कर देना है, ए बी और डी। ठीक हो गया, इसको हमने मेंशन कर दिया है। अब हम इसमें उसी तरीक़ाकार से जो हमारा केमिकल का प्रोसीजर है, एंटी सीरा ए का कलर आप देख लें, कलर की पहचान ज़रूर होनी चाहिए, वन ड्रॉप। ड्राप मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ड्राप ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, 30 से 25 माइक्रो तक हो, 20 से 30 माइक्रो तक का, सॉरी। ठीक है, और दोनों का सेम हो। बस जब बंदा काम करता है फिर बंदे को एक्सपीरियंस और तजर्बा बता देता है कि ये ज़्यादा है या कम है। ये नहीं, ये एंटी सीरा डी हो गया, डी, इस तरीके से बी ए। अब हम इसको मिक्स करेंगे टूथपिक की मदद से। टूथपिक से एक मरतबा एक ही टूथपिक इस्तेमाल करें, अगली दफ़ा नहीं। इसको इस तरीके से हमने घुमाना है, आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये सारा ब्लड एक दफ़ा घूम के वापस आए, फिर घूमे, फिर वापस आए, फिर घूमे, इसको कहते हैं मिक्स करना। ठीक है, ये मिक्स हमने अच्छे तरीके से करना है, इसकी मिक्सिंग में कोई कमी ना रहे। अब आप इसको रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, हम जो ग्रुप कर रहे हैं वो है ए बी नेगेटिव। आप देखें कि ए हमारा फट गया है यानी कि एग्लूटिनेशन बन गई है, बी हमारा फट गया है यानी कि एग्लूटिनेशन बन गई है। अब डी जो हमारा है वो आप देख सकते हैं, डी में
एग्लूटिनेशन नहीं बनी, यानी कि डी हमारा नहीं फटा। तो लिहाजा आप दोबारा भी देख सकते हैं ए बी और डी में क्या फ़र्क है। ए और बी फट गए हैं और डी नहीं फटा। डी ना फटने से मुराद नेगेटिव है, ये ए फटने से मुराद ए पॉजिटिव है, बी फटने से मुराद बी पॉजिटिव है। तो लिहाजा इसको हम कहेंगे ए बी पॉजिटिव, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसको इधर रख के ए बी नेगेटिव, सॉरी मुझसे गलती हो गई थी बोलने में, ये ए बी नेगेटिव है। नेगेटिव से मुराद डी जब हमारा नहीं फटा, बी हमारा फट गया, ए फट गया, तो लिहाजा इससे मुराद ये है, ये हमारा ए बी नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद हमने सबसे पहला जो काम करना है, इसको अपने सामने रख के हम उसको मेंशन करें, लिख दें, ताकि हमसे गलती की गुंजाइश जो है वो ना हो। इस तरीके से इसको मेंशन ज़रूर करें, ए बी नेगेटिव है ये ब्लड ग्रुप, ठीक है। शुक्रिया।